हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10 सेशन 21-22 का साइंस सिलेबस प्लस रिलेटेड पोर्शन इस वीडियो में आपको मिलेगा। सीबीएसई ऑफिशियल साइट पे सिलेबस तो अपलोड हो चुका है, बट डिलीटेड पोर्शन स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है, जिस वजह से जो है स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो कम्प्लीटली डिलीट हो गए हैं, जबकि कौन से चैप्टर का कौन सा वाला पोर्शन हटाया गया है। सबसे पहले तो हम सिलेबस के बारे में बात करें तो आपके टर्म वन में आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 10 और 11। यहाँ पर ये चैप्टर मेंशन है, साथ में इनकी मार्किंग स्कीम भी यहाँ पे दी हुई है। टर्म टू के अंदर आएगा चैप्टर नंबर 4, 5, 8, 9, 12, 13 और 15, जिनकी मार्किंग स्कीम यहाँ पर है 40 मार्क्स का। ये आपका टर्म वन और 40 मार्क्स का टर्म टू, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे। अब हम बात करते हैं कि क्लास टेंथ में से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि मतलब पूरा फुल चैप्टर डिलीट हो गया है। वो है आपका चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, और चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको कि इंटरनल असेसमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ना तो फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जाम में और ना ही सेकेंड टर्म के बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आ सकता। क्लास टेस्ट के लिए आ सकता है, आपसे टीचर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट वगैरह बनवा सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं कि टर्म वन के हिसाब से टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, किस किस में से क्या रिडक्शन हुआ है। तो टर्म वन में आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 है जो है, उसमें से कोई भी रिडक्शन नहीं है, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वहाँ पर अकरेंस ऑफ मेटल से पोर्शन डिलीट हुआ पड़ा हुआ है बियॉन्ड पेज नंबर 49। 49 के बाद मतलब 49 पे लास्ट हो जाएगा, जैसे ही आपका टॉपिक स्टॉप होगा अकरेंस ऑफ मेटल, 49 के बाद वाले जो भी आपका पोर्शन बच गया वो आप सब आपका सिलेबस से डिलीटेड है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइट प्रोसेस में कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 10 लाइट के अंदर लेंस और मिरर और लेंस फॉर्मूला के का जो डेरिवेशन आता था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि डेफिनेटली होगा क्या, आपका टर्म वन जो है वो आपका आएगा एमसीक्यू, एमसीक्यू में किस तरीके से डेरिवेशन करा लेंगे बच्चों से, ठीक है ना, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन आई वाला पोर्शन पूरा तरीके से, पूरी जो हम पढ़ते थे मायोपिया हाइपरमाइट्रोपिया, मतलब जितने भी ह्यूमन आई आई के बारे में सारी चीज़ें, तो वो पूरा हटा दिया गया, कलरफुल वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वो जो प्रिज्म वाला जो चैप्टर चीज़ है वहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट है, उससे पहले पहले वाला डिलीटेड है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं अब टर्म टू के अंदर, टर्म टू के अंदर कार्बन एंड कंपाउंड में से काफ़ी सारा पोर्शन डिलीट किया गया है। आप अपने बुक में निशान लगा लेना, कार्बन एंड कंपाउंड में सिर्फ आगे आगे का थोड़ा सा पढ़ना है, बाद के जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड हो गया, सोप्स एंड डिटर्जेंट, मतलब इस चैप्टर का मेजर पार्ट इसमें से हटा दिया गया है। आगे चलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में से कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में से कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से, हेरिडिटी को पढ़ना है लेकिन एवोल्यूशन पूरी तरीके से डिलीट है। पेज नंबर 147 के बाद स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक एवोल्यूशन, उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, जिसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट, बियॉन्ड पेज नंबर 236। 236 के बाद जो है आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो कि डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 15 आर इन्वायरमेंट में से कोई भी रिडक्शन नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस, इसका जो मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम में भेज दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।